नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मोटर के अंदर टर्न कम करने के फायदे और नुकसान, और जो मोटर का जो मैकेनिक होता है वो तारों को कम क्यों कर देता है, क्या कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोटर के अंदर जो डेटा होता है, जो कंपनी का परफेक्ट डेटा होता है, वही लगना चाहिए। लेकिन उस डेटा के होने के बावजूद भी जो लोग तार कम करते हैं, उसका क्या इफेक्ट मोटर के ऊपर पड़ता है, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर दोस्तों, सबसे पहला फायदा ये होगा इसका कि मोटर की जो स्पीड है उस पे उसमें चेंज आएगा, स्पीड जो है वो तेज हो जाएगी तारों को कम करने पे। ठीक है, कोई भी मोटर हो, स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्पीड तेज होगी ही होगी अगर तार मोटर के अंदर कम डाले गए तो। दूसरा दोस्तों, इसका फिर एक नुकसान भी है। एक नुकसान ये है कि एम्पियर फिर मोटर ज्यादा लेगी। ठीक है, एम्पियर मोटर ज्यादा लेगी, और मोटर जो है वो बहुत ज्यादा हीट होती है। अगर एम्पियर ज्यादा लेगी तो मोटर हीट भी ज्यादा होगी, ये भी एक नुकसान है। लेकिन एक फिर फायदा है कि कम पैसे में आपकी मोटर रिवाइंड हो जाती है। कम तार लगेगा मोटर के अंदर, कम तार डालते हो तो वहां पे पैसे बचते हैं। एक फायदा यह भी होता है, अगर समर्सिबल मोटर है या टुल्लू पंप मोटर है, तो मोटर की स्पीड ज्यादा होने पे पानी ज्यादा देती है मोटर, और बाकी फैन वगैरह की मोटर है तो हवा ज्यादा देती है। ठीक है, एक और फायदा है कि कम वोल्टेज में अच्छी तरह से मोटर चल जाती है, पूरी तरह से मोटर चल जाएगी कम तार है तो। फिर एक नुकसान आपको बता रहा हूं कि अगर बिजली पूरी आ रही है, अपने तार कम कर रखे मोटर के और बिजली पूरी आ रही है, उससे ज्यादा थोड़ी आ रही है, तो मोटर जल जाती है, मोटर के जलने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, इसका फायदा, ये नुकसान मैंने बताया है। इसका एक और फायदा है कि मोटर जो है आसानी से रिवाइंड हो जाती है। कई मोटरें होती है जो बहुत ही ज्यादा टाइट बनती हैं, लेकिन तार कम करने पे वो आसानी से बन जाती है, आपका काफी ज्यादा टाइम उस पे बचता है। अगला एक नुकसान है, पूरे तार करने पे खर्चा फिर ज्यादा आता है। जब आप दोबारा रिवाइंड कराते हो तो पहले आपने मोटर को तार कम करा लिए, लेकिन बाद में जब आप उसको पूरे कराओगे तो आपके पैसे फिर उसमें ज्यादा लगेंगे। ठीक है, एक और इसका नुकसान है कि एम्पियर मोटर ज्यादा लेती है तो इसका लोड जो होता है वो स्टार्टर के ऊपर पड़ता है, और स्टार्टर की जो पत्तियां होती हैं वह बार बार जलती रहती हैं, और स्टार्टर आपका खराब होता रहता है बार बार। और एम्पियर ज्यादा लेगी तो अगला नुकसान है कि एम्पियर ज्यादा लेगी तो आपका जो बिल है वो बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज खाएगी। ठीक है, कम वोल्टेज पे चल जाती है, फायदा होता है। और तार कम करने पे एम्पियर ज्यादा लेगी, जिससे केबल का जलने का, केबल का फॉल्ट होने का चांस भी बना रहता है हमेशा। और एक नुकसान है कि मोटर की जो पत्तियां होती हैं, मोटर के स्टार्टर के, हाँ, स्टेटर की जो पत्तियां होती है, स्टेटर की, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगी। रोटर भी वाइब्रेट मोटर का करता है कम तार करने पे। तो दोस्तों, ये थे कुछ फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं कि क्यों, आखिरकार क्यों इस तारों को कम करते हैं लोग। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफी सारे फायदे भी हैं इसके, कि मोटर कम वोल्टेज में चल जाती है, पानी ज्यादा देती है, या फैन वगैरह है तो हवा ज्यादा देते हैं, तो ये फायदे हैं। तो इन्हीं फायदों को देख के, जो मेन मेन फायदे हैं मोटर की स्पीड, सब स्पीड को देखते हैं, बाकी चीजों को बहुत कम लोग देखते हैं,
लोग ये नहीं देखते कि बिल ज़्यादा आएगा या नहीं आएगा, बहुत कम लोग इसको देखते हैं। और जो लोग सीधा डायरेक्ट चला रहे हैं, मीटर में से नहीं चलाते, वो तो कहते हैं कि पढ़ने दो लोड, तारों को कम कर दो, जितना और मोटा वायर लगा देंगे, और मोटा केबल लगा देंगे, मोटर अच्छी चलनी चाहिए, बिजली की कोई बिजली बहुत आ रही है, तो ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो कम इसलिए कर देते हैं, एक तो जो इसके मैकेनिक होते हैं, मोटर के मैकेनिक, वो पहले तो ग्राहक जाके उससे बोलता है रिवाइंडिंग के वक्त, यार मोटर जो है वो फुहारे कम बना रही है, प्रेशर कम है मोटर का, जो समर्सिबल मोटर है, जो भी मोटर है, या फिर पंखे के बारे में बोलता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा इसकी कम आ रही है। तो फिर मिस्त्री क्या करते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि तारों को कम कर देते हैं। समर्सिबल मोटर हो तो उसका तार हर कॉइल से दो दो टर्न कम कर दिए या तीन तीन टर्न कम कर दिए। उससे क्या होगा कि जो मैकेनिक होता है उसको रिवाइंडिंग करने में भी आसानी रहेगी, तार कम डलेंगे तो जल्दी रिवाइंड हो जाएगी मोटर, आसानी से रिवाइंड हो जाएगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी, और उसका जो तार है वो जो निकालेगा वो बचेगा। ठीक है, 800 रुपये केजी, 850 रुपये केजी वायर मिलते हैं समर्सिबल के, तो 200 300 ग्राम 400 ग्राम तक भी मोटर के अंदर जो मिस्त्री होता है वो कम कर देता है तारों को, तो उसको तार भी बच जाते हैं, उसके लिए फायदा है। दूसरा फिर अगला है जो कि ग्राहक जो है वो बहुत खुश हो जाता है जब मोटर तेज देखता है कम वोल्टेज में, कि मोटर बहुत अच्छी चल रही है, अच्छे फुहारे बना रही है, भाई वाह तूने तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया, भाई तूने तो पंखे की स्पीड को बढ़ा दिया, हमारा कूलर बहुत ही धीमा धीमा चलता था, अब अच्छी स्पीड आ रही है। लेकिन उसके फिर नुकसान होंगे कि एम्पियर ज़्यादा लेगी, मोटर हीट ज़्यादा होगी, और अगर पूरी लाइट आ रही है तो मोटर जलने के चांसेस रहेंगे। तार कम जब किया जाता है जब पूरी लाइट नहीं मिलती, 220 वोल्टेज की अगर मोटर है तो 200 वोल्टेज आ रही है या 200 से कम आ रही है, 180 वोल्टेज आ रही है, 220 की मोटर 200 वोल्टेज पे ठीक कार्य करती है, पूरी तरह से कार्य करती है, लेकिन 180 वोल्टेज आए, उससे कम वोल्टेज आए, मोटर काम नहीं करेगी ठीक से, तब उसको उस कंडीशन में फिर जो ग्राहक है वो फिर मिस्त्री के पास जाएगा और कहेगा भाई इसको रिवाइंड करते वक्त इसका जो है वो इसके स्पीड आप बढ़ा देना, तो वो उसको नहीं पता कि तार कम करने हैं क्या करने हैं, वो सोचता होगा कि तार शायद बढ़ाता होगा जिससे स्पीड अच्छी आती होगी, वो उसके बारे में उल्टा सोचता है। ग्राहक सोचता है मोटर के तार बढ़ाने के पे स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा होता है, मैकेनिक तारों को कम कर देता है और मोटर की स्पीड बढ़ जाती है। तो उससे नुकसान कई सारे होंगे, जो स्टार्टर वगैरह हैं उसकी पत्तियां जलने लगेंगी, फिर बार बार स्टार्टर एम्पियर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो फिर केबल भी जलेगी, केबल के जो जोड़ बनाए गए वो भी जलेंगे, मोटर आपकी बार बार निकलेगी, फिर समर्सिबल मोटर है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बिल आपका ज़्यादा आएगा, ज़्यादा एम्पियर लगे तो। ये फायदे थे और ये नुकसान थे, मैंने सारे बता दी जो जो हैं। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों से बोलूँगा कि मोटर अगर आपके घरों में बिजली कम है तो उसका ठीक से डेटा अगर बनाइए, अगर आप सीधे डायरेक्टली तार कम करते हो स्पीड बढ़ाने के लिए तो एम्पियर मोटर ज़्यादा लेगी, अगर आपको एम्पियर भी कम रखनी है, मोटर भी ठीक ठाक चलानी है, तो फिर आपको उसके डेटा में थोड़ा सा अलग चेंज करना होगा, थोड़ा सा अच्छा बनाना होगा उस डेटा को, जिससे मोटर कम वोल्टेज में भी चल जाए और मोटर ठीक ठाक ताकत लगाए और कम एम्पियर ले और ठीक ठाक कम वोल्टेज में भी चल जाए, उससे फिर गेज को चेंज करना पड़ता है, तो उस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे डिटेल से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।